So Payal and Indrani and Payal sees from Kashipur and Indrani from Hyderabad. They have asked that please discuss on the analytic function. My request to everyone that please do not think. आप ऐसा मत सोचो कि ये question आपका mechanical में आया है. Okay, both question it has come in mechanical branch. आपके mechanical ME 20 में यू कैन चेक ऑल्सो दोनों ME 20 में यानी कि 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं. आप 2019 जाओ, 18 जाओ, 17 जाओ, 2009 जाओ, 2008 जाओ और इन फ्यूचर 2030 ऑल्सो सेम क्वेश्चन दे विल आस्क. दे विल ओनली चेंज द फंक्शन. तो आप कभी ये मत सोचो कि मैकेनिकल ब्रांच है तो मैं इलेक्ट्रिकल वाला हूं, मैं क्यों देख रहा हूं. सिलेबस अगर है देन यू मस्ट कम हियर. ओके, डू नॉट थिंक दैट दिस इज ओनली फॉर द मैकेनिकल ब्रांच. सो व्हाट दे हैव आस्क्ड, देखो एनालिटिक फंक्शन की मैंने पूरी सीरीज कॉम्प्लेक्स की डाल रखी है. आप वहां जाइए, हर क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है. इन दिस लेक्चर आई विल नॉट एक्सप्लेन द एनालिटिक फंक्शन बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. ठीक है, तो यहां पर हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आई विल सॉल्व ओनली द क्वेश्चन. ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन में देखो तुम्हारा क्या है. आपको पहले बता देता हूं, हर पॉलिनोमियल एनालिटिक होता है. एवरी पॉलिनोमियल इज एनालिटिक. पॉलिनोमियल मतलब क्या है आपका, ए जेड की पावर एन प्लस बी जेड की पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन वन. सो दिस इज द पॉलिनोमियल. सो एवरी पॉलिनोमियल इज एनालिटिक. ठीक है, आपका साइन जेड कॉस जेड एनालिटिक है, ई टू द पावर जेड एनालिटिक है. एनालिटिक मतलब फंक्शन आपका एग्जिस्ट कर रहा है, पहले ऐसे ही सोच लो. ठीक है, तो बाकी आपके उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं ये भी हम देखते हैं, वो अलग बात. तो यहां पर हम सिर्फ ये देखेंगे, इस क्वेश्चन में सिर्फ सीआर इक्वेशन हम यूज करेंगे. सो सीआर इक्वेशन क्या बोलती है, अगर आपका पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स अगर है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू एक्स का मतलब क्या है, दैट इज द डेल यू अपॉन डेल एक्स. ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव है, फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस डी का यूज करते हैं. अगर सिंगल वेरिएबल होगा तो हम ये डी यूज करेंगे. दिस डी एंड दिस डी बोथ आर सेम, दैट इज द पार्शियल मतलब फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो हम ये यूज करेंगे, अदरवाइज वी विल यूज दिस वन, बट द मीनिंग इज सेम. ठीक है, तो आपका क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स. अगर आपका ये सेटिस्फाई हो रहा है देन दिस इज सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है. तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज अ नेसेसरी कंडीशन, नॉट सफिशियंट कंडीशन. तो अगर कोई सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो चांसेस हैं कि तो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा. लेकिन अगर वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, क्योंकि दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन. जस्ट लाइक अगर आपको आईईएस का एग्जाम निकालना है तो आपको बीटेक करना पड़ेगा, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन. बट इफ यू हैव क्वालिफाइड द आईईएस एग्जाम इट मींस दैट ऑलरेडी यू हैव क्वालिफाइड द बीटेक. ओके, सो आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन. सफिशियंट कंडीशन इज दैट टू क्वालिफाई द आईईएस एग्जाम. ठीक है, तो यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है कुल मिला के. इसके बाद का क्या है तुम्हारा, डिफरेंशिएबिलिटी पार्शियल डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो वो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस ऑन दिस. ठीक है, अब ये यू वी क्या है, असल में क्या होता है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आई वी होता है. ठीक है, यानी कि जो आपका फंक्शन जेड है, जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी. तो यू आप देखो आपका क्वेश्चन क्या है, एफ जेड आपका दे रखा है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, यानी कि असल में एफ ऑफ जेड है, सॉरी, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, और हमको क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू समथिंग हमको दे रखा है, बट दे हैव नॉट मेंशन द फंक्शन. तो यानी कि हमारे पास यू है, हमारे पास यू है एंड ही इज आस्किंग व्हाट इज वी, ही इज आस्किंग अबाउट वी. तो यू हमको दे रखा है, यू इज इक्वल टू इट इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, ये आपको दे रखा है. हमको वी निकालना है, हम जानते हैं कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होता है, तो इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे. अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस x के रेस्पेक्ट में करना है थ्री वाई स्क्वायर, यानी कि y कांस्टेंट रहेगा. x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये किसके बराबर है, ये बराबर है डेल v अपॉन डेल y के बराबर है. ठीक है, अब देखो यानी कि अब हम इसको ले लेते हैं. ठीक है,
हम क्या करते हैं दोनों जगह इंटीग्रेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, यहां तो वाई है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, इट इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन करते थे कॉन्स्टेंट पक्का आता है, क्यों आता है, वी हैव ऑल्सो अपलोडेड सच टाइप ऑफ वीडियो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट है, वी हैव टू इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई, थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई की पावर एन इज इक्वल टू वाई की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस थ्री वाई की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, और प्लस सी ए कॉन्स्टेंट आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू वी आ जाएगा, वी आपका आ चुका है, ठीक है। नाउ थ्री और थ्री कैंसिल, तो आप देखो किससे मैच कर रहा है, आप देख रहे हैं थ्री एक्स वाई स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर वाई है आपका, ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर वाई, थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस थ्री से थ्री कैंसिल, वाई की पावर थ्री, वाई की पावर थ्री एंड प्लस सी, प्लस सी दैट इज वी, इट इम्प्लाइज दैट योर आंसर इज डी। सो आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वेरी सिंपल। So you have to remember only the CR equation. Now I will solve the second question. Okay, the second question, the second question I will solve. Okay, we just wait. I will solve. ठीक है, आपका देखो focus focus. Okay, Indrani focus. You are not online. Okay. Again I will solve it. Your you have asked this question, fz is equal to this, so it implies that this is your u, same question hai, dekho v aapko nahi diya hai and he is asking what about phi, is analytic function, then he is asking phi, but in this question he is asking analytic function then imaginary part of fz at this point, means at first you will find the imaginary part, that is the imaginary part, he has given the real part and imaginary part already we have find here, now we will put this value, nothing, same question, so this is u, u is equal to x square minus y square, मैंने आपको बताया था ux is equal to क्या होता है, vy होता है, हम कल इसी को लेंगे, दूसरा ले ही नहीं रहे हम, ये analytic है तो इसको satisfy करेगा, okay, इसलिए कर रहे हम, तो इसका हम क्या करेंगे, differentiate, del u upon del x, differentiate करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज टू एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन जीरो, अगर हम किसी कॉन्स्टेंट का डिफरेंस, बिकॉज वाई इज कॉन्स्टेंट, वाई का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, जीरो आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा माइनस जीरो, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका टू एक्स आ गया है, और ये किसके बराबर होगा, दिस इज डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होगा, ओके। नाउ अब हम इसको मान लेते हैं और इसको भूल जाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 2x dy is equal to del v, जो भी है आप del करो d करो बाद एक ही, मैंने पहले बता रखा है, इंटीग्रेट कर दो विद रेस्पेक्ट टू, तो क्या हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में करना है 2xy plus c is equal to क्या हो जाएगा आपका v आ जाएगा, आपको मिल चुका है। अब हम चेक करेंगे ये सही है गलत है, मे बी इट इज रॉन्ग, आई विल चेक, आई विल इरेज दिस क्वेश्चन, ओके, आई थिंक दैट यू हैव डन। तो आपका देखो क्या होगा, मे बी आई एम रॉन्ग, ऐसा हो सकता है, इट कैन पॉसिबल, तो हमने क्या किया, दिस वी हैव फाइंड, हमने आपको बताया था यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होता है एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स होता है, आपको बताया मैंने आपको, ये तो हमने कर लिया ऑलरेडी, वी हैव डन, नाउ वी विल चेक दिस वन, तो यू यानी कि जो आपका u है, u कितना है, u इज इक्वल टू है आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, अगेन वी विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, du अपॉन डी वाई इज इक्वल टू y के रेस्पेक्ट में करना, तो जीरो हो गया माइनस टू y आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके माइनस डेल v अपॉन डेल x। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस दोनों जगह है कैंसिल हटा दो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y dx इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा डेल v,
ये हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट यहां पर क्या होगा, मे बी दिस इज द फंक्शन ऑफ वाई, हो सकता है, मे बी दिस इज, व्हाट इज दिस, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग, तो मैं इसको दोनों बार कर रहा हूं, दोनों तरीके से. सो विद रेस्पेक्ट टू एक्स देन दिस इज टू एक्स वाई प्लस सी इज इक्वल टू वी. अब आप देखो ये टू एक्स वाई प्लस सी इज इक्वल टू वी और ये क्या है टू एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू वी. इसका मतलब जो ये सी है ये फंक्शन ऑफ वाई या फंक्शन ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, ये नहीं है, ये कॉन्स्टेंट ही है, इसका मतलब ठीक हो गया. फिर अब क्या है आई डोंट नो, हम दोनों कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है, तो मे बी दिस इज कॉन्स्टेंट और मे बी दिस इज जीरो, यू कैन ऑल्सो टेक दिस इज जीरो, ठीक है, तो आप ले सकते हैं कि दिस इज जीरो, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो हमको दिया नहीं है, ठीक है. अब हमको बोला है कि एट वन जीरो नाउ जेड इज इक्वल टू वन प्लस आई, इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू वन रखना है और वाई इज इक्वल टू वन रखना है, मीनिंग ऑफ दिस एट जेड इज इक्वल टू वन प्लस आई, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही विल गिव यू एट जेड इज इक्वल टू वन, एट जेड इज इक्वल टू जीरो, एट जेड इज इक्वल टू आई, एट जेड इज इक्वल टू माइनस आई, ही कैन गिव यू एनीथिंग, क्वेश्चन सेम रहेगा, मेथड आपको मेथड नोट करना है. तो एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन, अगर आप x इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू वन यहां पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू टू आ जाएगा. आप x इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो आपका आंसर v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, दैट इज योर आंसर. तो आपको यहां क्या रखना है, यहां पर आपको टू लिखना है, इस कॉन्स्टेंट को आप भूल जाओ. सो बोथ इन बोथ टाइम अगर आप डिफरेंशिएट आप इसको पहले इसको ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं तो आपको सेम सी मिल रहा है, ठीक है, देयर इज नो चेंजेस, दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ वाई, तो आप कांस्टेंट को जीरो भी ले सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है, तो हमने जीरो ले लिया, सो योर आंसर इज टू, ठीक है. आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम. तो मैंने देखा, आपने देखा कि क्वेश्चन सेम आ रहे हैं, ठीक है, सो पायल एंड इंद्रानी, ओके, बोथ प्रॉब्लम आई हैव सॉल्वड. नाउ द टोटल नंबर ऑफ 19 क्वेश्चन आई हैव सॉल्वड. नाउ द 20th क्वेश्चन, ओके, अगेन द मैकेनिकल ब्रांच द लिमिट क्वेश्चन. वन स्टूडेंट ही हैज सेंड मी दिस क्वेश्चन फ्रॉम सूरत, ओके, भावना, एंड सी इज आस्किंग दैट प्लीज एक्सप्लेन द लिमिट. ओके, ऑलरेडी वी हैव अपलोडेड वन प्ले विद ग्राफ, ओके, वन ग्राफ वीडियो एंड ऑल्सो वन लिमिट वीडियो, ओके, यू मस्ट चेक दियर. ओके, आई विल सॉल्व ऑल्सो दिस क्वेश्चन, गेट मैकेनिकल ब्रांच 2020.